जिला मुख्यालय बालोद में आज राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने प्रातः 9 बजे स्वयं सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में उत्साह व उमंग के साथ ध्वजारोहण किया गया। भारत माता व महात्मा गांधी के जय घोष के साथ स्वतंत्रता का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं जिला मुख्यालय बालोद में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने 9 बजे स्वयं सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर जिले की पुलिस बल एनसीसी स्काउट गाइड के बच्चों ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि विजय बघेल को सलामी दी। उन्होंने स्वतंत्रता के अवसर पर लोगों को बधाई दी। साथ ही विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर स्कूल की विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय व निजी शैक्षणिक संस्थानों में सुबह 7:30 बजे संस्था प्रमुखों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्वयं सरयू प्रसाद स्टेडियम बालोद में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि विजय बघेल ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत नीम के पौधे का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद परिवारों का सम्मान भी किया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर प्रारंभ रहा। इस अवसर पर विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अनिला भेड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना देवी देश लहरा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यज्ञ दत्त शर्मा एवं राकेश यादव, पवन साहू एवं अन्य जन प्रतिनिधियों सहित कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, पुलिस अधीक्षक SR भगत के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहे। बालोद से मोइन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।